ऑल राइट गाइस, तो आज हम टियर डाउन करने वाले हैं आई बॉल की तरफ से आने वाले आई बॉल म्यूजी रॉक ब्लूटूथ स्पीकर का। तो इसके हमने ऑलरेडी अनबॉक्सिंग एंड डिटेल रिव्यू किया हुआ है, तो अगर आपने अभी तक वो चेकआउट नहीं किया है तो ऊपर आई बटन में आप चेक कर सकते हैं एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो अगर आप भी इसके अंदर का राज जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो का एंड तक देखते रहिएगा। तो इसको ओपन करने के लिए सबसे पहले इसके फ्रंट पार्ट में 8 स्क्रू दिए गए हैं, इन सभी को हम ओपन कर लेते हैं। तो फ्रंट पार्ट के सभी स्क्रू हमने यहाँ पे ओपन कर दिए हैं। इसके बाद इसको हल्का सा आपको पुल करना होगा एंड इसका फ्रंट पैनल बाहर निकल जाएगा। तो जैसा आप देख सकते हैं, ये टोटली जो है प्लास्टिक बिल्ड है, इसके अंदर यहाँ पे एक जाली यूज़ की गई है। तो अब इसके बैक पार्ट में भी 8 स्क्रू दिए गए हैं, इन सभी को भी हम ओपन कर लेते हैं। तो बैक साइड के भी सभी स्क्रू हमने यहाँ पे ओपन कर दिए हैं एंड यहाँ पे बैक पैनल भी निकल चुका है। तो जैसा आप देख सकते हैं, इसके फ्रंट में 2 स्पीकर यहाँ पे दिए गए हैं एंड फ्रंट एंड बैक में इसका बेस रेडिएटर दिया गया है। तो अब इसको ओपन करने के लिए इसके बैक साइड पे 6 स्क्रू दिए गए हैं। तो पीछे के सभी स्क्रू हमने यहाँ पे ओपन कर दिए हैं। इसके बाद इसका बैक पैनल हम निकालने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। तो इसके बाद काफ़ी आराम से निकल जाता है एंड जैसा आप देख सकते हैं, इसका जो बेस रेडिएटर है यहाँ पे पेस्ट किया गया है। तो ये रहे इसके सभी इंटरनल कंपोनेंट्स। यहाँ पे काफ़ी ह्यूज बैटरी दी गई है, यहाँ पे इसकी मदरबोर्ड है, तो मदरबोर्ड को निकालने का हम ट्राई करते हैं। तो एज यू कैन सी, मदरबोर्ड हमने निकाल दी है। अब इसमें जितने भी कनेक्शंस दिए गए हैं सबको हम निकाल देते हैं। ये निकला माइक्रोफोन कनेक्शन, स्पीकर कनेक्शन एंड लास्ट में बैटरी कनेक्शन भी यहाँ पे निकल चुका है। एंड अब इसकी बैटरी को हम निकाल लेते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, काफ़ी ह्यूज यहाँ पे बैटरी यूज़ की गई है। तो ये 2 सेल बैटरी, यहाँ पे 2 सेल जोड़े गए हैं आपस में एंड दोनों सेल यहाँ पे 2200 mAh के हैं। तो टोटल इसकी बैटरी कैपेसिटी होती है 4400 mAh। तो काफ़ी ह्यूज बैटरी यहाँ पे दी गई है एंड वो भी सिर्फ 1200 रुपये के अंदर। तो अब इसके दोनों स्पीकर यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ। तो दोनों स्पीकर निकालने के लिए यहाँ पे 4-4 स्क्रू दिए गए हैं। तो सभी स्क्रू यहाँ पे हमने ओपन कर दिए हैं। इसके बाद इसके स्पीकर बाहर निकल जाएंगे काफ़ी आसानी से। तो ये रहे इसके 8-8 वॉट के स्पीकर्स। एंड अगर इसका कैबिन हम देखते हैं तो यहाँ पे इसका TWS बटन दिया गया है एंड यहाँ पे इसका IO कंपार्टमेंट दिया गया है। ऑल राइट गाइस, तो मुझे आपको स्पीकर के अंदर का एक ओवरव्यू देना था एंड वो मैं आपको दे चुका हूँ। अब इसको फटाफट से हम क्लोज कर देते हैं एंड प्ले करके चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके स्पीकर्स मैं वापस लगा देता हूँ। तो इसको कम्प्लीटली क्लोज करने से पहले अगर हम ऑन करके चेक कर लेते हैं। तो अगर आप इसका नेकेड बेस टेस्ट देखना चाहते हैं, इसके बेस रेडिएटर एंड स्पीकर्स को वाइब्रेट होता देखना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं।